सर जी केकरो केहू केहू काम कहला त करे जाई ना। अच्छा, धान काटे, धान रोपे, आलू बीने, अभी क्या बीने के दिन। जन्म से पहले बिटिया ओढ़ेली रे काफनावा, माई बाबू बनल दुश्मनावा, गर्भ में स्वच्छ भारत के सपना अधूरा, सड़की पर फेंका ता कूड़ा, स्वच्छ भारत के सपना अधूरा, उठता सवाल है बुराई पे। नमस्कार, न्यूज सुपर सेवन देख रहे हैं आप और मैं हूं सुधांशु। अभी हम मौजूद हैं वही वायरल लड़की सलोनी के गांव में, उसके घर पे मौजूद हैं। घर एक बार चाहेंगे कि दिखा दिया जाए कि लड़की किस स्थिति में रहकर विद्यालय में पढ़ने भी जाती है, घर का भी कार्य करती है और उसके साथ साथ इसका संगीत में काफ़ी रुचि रहा है, चूँकि वायरल भी संगीत के माध्यम से ही हुई है। तो सलोनी, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। एक चीज बताइए कि यहाँ घर पे आप रहती हैं, तो मतलब स्कूल में जब जाती हैं तो स्कूल के अलावा घर पे भी कार्य करना होता होगा? जी सर, घर पे कार्य करती हैं, तो कैसे कैसे सब आप कर पाती हैं दोनों चीज? हम सुबह में उठते हैं तो मतलब हम पहले तो हम 4 बजे उठ जाते हैं और मैं पढ़ती हूँ 4 बजे। हाँ, फिर पढ़ के 6 बजे मैं अपनी मम्मी के खाना बनाने में हेल्प करती हूँ। फिर करके और खाना जैसे बन जाता है मैं मुंह धोने जाती हूँ और फ्रेश होकर उधर से आकर खाना वाना खाकर और मैं तैयार होकर मैं अपने पढ़ने चली जाती हूँ। और पढ़ने के बाद मैं आती हूँ तो मैं अपने ट्यूशन जाती हूँ। ट्यूशन के बाद मैं आकर फिर मैं अपनी मम्मी के खाना बनाने में हेल्प करती हूँ बनाकर और फिर हम पढ़ने बैठ जाते हैं। और फिर हम पापा आते हैं तो वो भी मतलब पापा काम पे रहते हैं। हाँ, तो आप और मम्मी घर पे। हाँ, तो मम्मी है, मम्मी से ही बात कर लेंगे। बिटिया, आप गायक बनेगी, कैसा लगेगा आपको गायक बनेगी? तो ठीक लगेगा सर। अच्छा लगेगा? ठीक, मतलब चाहती हैं कि गायक बन जाए? हाँ सर। आप क्या करती हैं? सर जी केकरो केहू केहू काम कहला तो करे जाई ना। अच्छा, धान काटे, धान रोपे, आलू बीने, अभी क्या बीने के दिन बा। अच्छा, तो मतलब दूसरे का हाँ, काम सर जी दूसरे दूसरे के काम करने जा, अपन थोड़े खाए खेत तो थे नहीं के घर भा खाली बाई है। तो ये अपना घर है जमीन? ना सर जी, मैंने ये अपना ही ना बा, बिहार सरकार में बा जगह, तो अपना ही ना घर आपका है। कोई बात ना, बेटी तो अब और गायक बनिए जाए, क्योंकि देख ली अब सब कोई आता धीरे धीरे। ठीक लगा था पहले से? हाँ सर। चलिए, तो अभी सलोनी एक गाना सुनाइए जो वायरल नहीं हुआ है, उसके अलावा कोई गाना सुनाइए दहेज को लेकर है कोई भी। जन्म से पहले बिटिया ओढ़ेली रे काफनावा, जन्म से पहले बिटिया ओढ़ेली रे काफनावा, माई बाबू बनल दुश्मनावा, गर्भ में मारे जानावा, उगे से पहले सूरज पे लागी गईले गरहनावा, उगे से पहले सूरज पे लागी गईले गरहनावा, माई बाबू बनल दुश्मनावा, गर्भ में मारे जानावा। और एक देशभक्ति गीत भी आप सुना दीजिए। देशवायापन सोने के चिड़िया, लाज बचाव
तू खाला क्रिया लागल बा कलंक भारत माई पे, लागल बा कलंक भारत माई पे, ध्यान अब दे दशा फाई पे, ध्यान अब दे दशा फाई पे, सड़की पर फेंका ता कूड़ा, स्वच्छ भारत के सपना अधूरा, सड़की पर फेंका ता कूड़ा, स्वच्छ भारत के सपना अधूरा, उठता सवाल है बुराई पे, उठता सवाल है बुराई पे, ध्यान अब दे दशा फाई पे भाई, ध्यान अब दे दशा फाई पे। बहुत अद्भुत गाना इन्होंने सुनाया सफाई पर लेकर, चूंकि सर भी मौजूद हैं और सर का स्कूल जो है वो स्वच्छता को लेकर ही जाना जाता है पूरे बिहार में, तो इस स्वच्छता पे भी गाना है इनका, जात पात से ऊपर उठकर भी गाना है, बेटियों के लिए गाना है, शराब पे गाना है, हर एक क्षेत्र में सामाजिक गाना ही इनके जहन में चलता है, उसी के माध्यम से वायरल भी हैं। लेकिन घर की हालात जो आप देख रहे थे अभी, सरकारी ज़मीन पर इनका घर है, अपना ज़मीन भी नहीं है, पिताजी मजदूरी करते हैं, माताजी किसी किसी का काम करके घर को चलाती हैं, तो इतना जो इनका स्थिति है वो तो आपको देखने को मिला। तो हमारा आग्रह होगा कि जो भी अभी देखिए निकाय चुनाव चल रहा था, नाना प्रकार के समाजसेवी आए थे मौसम की तरह और फिर चले जाएंगे, लेकिन जो रियल समाजसेवी हैं उनसे मेरा भी हाथ जोड़कर आग्रह होगा कि अगर आप तक हमारी बात पहुंच रही है तो इनको थोड़ा सा आगे बढ़ने में मदद करें, और ज़रूर करें, एक थोड़ी सी छोटी सी मदद इनको काफ़ी आगे लेकर जा सकती है। तो फिलहाल लेते हैं विदा, बहुत बहुत धन्यवाद।